से कोई काम कभी कभी होता है तो समटाइम्स, हमेशा ही होता है तो ऑलवेज, आमतौर पे होने को देखने को मिलता है नॉर्मली, यूजुअली, ऑफन। कोई काम कभी नहीं होता, नेवर, बहुत कम ऐसा है कि उसको देखा जाए तो हार्डली, रेयरली, बेयरली, या फिर सेल्डम जैसे शब्द का प्रयोग हम करते हैं। बच्चों, एक ऐसी गलती है जो इस, मतलब मैं ये कहूंगा कि बोलते वक्त इन शब्दों से एक ऐसी गलती हम करते हैं जो कभी हमें करनी नहीं चाहिए। देखिए वो गलती कौन सी करते हैं हम अक्सर, क्या होता है कि एक वर्ब का प्रयोग करते हैं जिसमें हम लगाते हैं आईएनजी। किसी भी काम में जब आईएनजी हम लगाते हैं तो वो क्या दिखाता है, कि वो काम तो चल रहा है, बहुत सॉलिड कंसेप्ट निकलने वाला है, आप ध्यान से सुनते रहेंगे। जैसे इस समय ध्यान से देखा जाए तो आप लोगों को मैं पढ़ाता हुआ देखूंगा और मेरी आंखों के सामने बैठे आप सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो काम चल रहा है तो आईएनजी तो लगता ही है सर, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। पर जब मैं आईएनजी वाली वर्ब को कुछ ऐसे यूज करता हूं, यहां पर देखिए, आई शैल ऑलवेज बी वर्किंग फॉर यू, तो इस सेंटेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने वाली है। पहली बात क्या कि सेंटेंस आपकी आंखों के सामने जो लिखा वो गलत सेंटेंस है। इसके गलत होने की वजह बताता हूं। गलत होने की वजह सबसे बड़ी एक ये है कि हमने पहले तो ऑलवेज यहां पे जो वर्ड लगाया है उसका मीनिंग समझ के देखिए। इस ऑलवेज का मतलब होता है सर हर बार, हमेशा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हर बार हमेशा से मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शब्द अपने आप में एक फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड क्या दिखाते हैं सर, जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आई आई के बाद मैंने कहा समटाइम्स, आई समटाइम्स ईट आउट विद माई फ्रेंड्स, ईट आउट विद माई फ्रेंड्स। तो बेटा मैं यहां ये कहने की कोशिश में हूं कि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं अपने दोस्तों के बाहर खाना खा लेता हूं। ईट ईट आउट का मतलब बाहर जाके खाना खाना, पर जब मैं यहां समटाइम्स लगा रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि कभी कभार ऐसा होता है। पर कभी कभार कहने के लिए काम का बार बार होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कभी कभार कहता हूं तो उसका मतलब यह है कि वो काम बार बार तो होता है, और जब कोई काम बार बार होता है तो उसमें चल कहां रहा है वो काम। सर कोई काम अगर बार बार हो रहा है तो उसका मतलब, उसके बार बार होने का मतलब ये तो नहीं कि वो लगातार चले जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए आपको उस काम को एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और उस समय के बीच में जब वो काम होगा तो उसके रिपीटेशन को देखकर, उसके बार बार होने को देखकर बताएंगे कि वो काम कितनी बार होता है। हमेशा, कभी नहीं, बहुत कम, कई बार, बहुत बार, ये वर्ड तो तभी बोल पाओगे जब आपने उसको बार बार होते हुए देखा। और जब कोई काम बार बार होता है तो उसका मतलब ये कहा है कि वो चल रहा है, और आईएनजी तो तभी लगेगा जब कोई काम चल रहा है। तो आप याद क्या रखेंगे, जब जब किसी काम की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ये बताएंगे कि वो काम कितनी बार होता है, तो ऐसे सभी कामों में आप कभी भी आईएनजी लगा के काम को चलता हुआ नहीं दिखाएंगे। तो मैंने एक तरफ तो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड लगा दिया, और एक तरफ आईएनजी लगा के लगातार काम चलता दिखा दिया, और जब चल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा, तो फ्रीक्वेंसी कैसे बताओगे, क्योंकि वो काम रुका होगा, फिर हुआ होगा, फिर रुका होगा, फिर हुआ होगा, फिर रुका होगा, फिर हुआ होगा, तभी तो पता चला कितनी बार। तो जब भी कभी किसी काम के साथ हम फ्रीक्वेंसी का वर्ड लगाते हैं तो काम के बार बार होने को दिखाता है, लगातार चलते होने को नहीं दिखाता। इसलिए जब आप फ्रीक्वेंसी का वर्ड लेके आएंगे तो वहां पे आईएनजी लगाना गलत होगा। और सही सेंटेंस कैसे लिखा जाएगा, आई शैल ऑलवेज वर्क फॉर यू। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे कह दूं, आई एम समटाइम्स ईटिंग आउट, आप खुद ही देखिए बोलकर कितना बेतुका लग रहा होगा आपको, आई एम समटाइम्स ईटिंग आउट। तो ईटिंग आउट में जब आईएनजी लगाते तो मैं खा तो रहा ही हूं, वो काम चल ही रहा है, और जब वो चले ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो मैं फ्रीक्वेंसी कहां से बताऊं। तो फ्रीक्वेंसी लगाने का मतलब ही ये है कि बेटा वो काम बार बार हो रहा है, और जो काम बार बार होता है तो उसमें आईएनजी लगा के लगातार चलते होने के सेंस हम पैदा नहीं कर सकते। तो अब मैं कहना भी चाहूं, आई एम समटाइम्स ईटिंग आउट इज द रॉन्ग सेंटेंस, व्हाट शुड बी द राइट सेंटेंस, सर आई समटाइम्स ईट आउट, नॉट आई एम समटाइम्स ईटिंग आउट। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट ऐसे बनेगा। पर अभी एक सॉलिड बात और बची है जो इसके बाद मुझे आप लोगों को बतानी है। अब एक सेंटेंस और देखिए मैं क्या लिखता हूं, मैं इसी के जस्ट ऊपर लिखता हूं यहां पे एक सेंटेंस, यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई, लुक एट दिस सेंटेंस नाउ एवरीबडी, यू आर ऑलवेज टेलिंग अ लाई।
अभी सेंटेंस के अंदर मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, आप में से बहुत सारे व्यक्ति एकदम से जंप कर बैठेंगे और कहेंगे सर देखिए ऑलवेज का मतलब तो हमेशा है और आईएनजी का मतलब काम चल रहा है, तो ऑलवेज तो किसी काम के बार बार होने को दिखाएगा और आईएनजी लगातार चलते होने को दिखाएगा, तो इसलिए गलत है। बेटा एक ऐसी कंडीशन है, पूरी इंग्लिश में एक कंडीशन ऐसी है जहां फ्रीक्वेंसी का वर्ड आता है और वहां पे आईएनजी लग सकता है, और वो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड ये है और कंडीशन वो ये वाली है। सर कई बार ऐसा होता है कि कुछ काम ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं आते, हमें अच्छे ही नहीं लगते, और अगर वो बार 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 और हर बार होना शुरू हो जाए तो गुस्से में आके क्या कहता है, यार तू हर टाइम झूठ बोलता रहता है, तू हर टाइम झूठ बोलता रहता है, तो उसका मतलब क्या है, तेरी तो सारी बातें झूठ होती हैं, और क्या है उसका मतलब, तो हर टाइम झूठ बोलता रहता है, इसका मतलब तू कभी सच बोलता ही नहीं है। तो कुछ काम ऐसे हैं जिसको अगर कोई व्यक्ति हमेशा करे तो हमारे मन से एक बात निकलती है, तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है, तो हमेशा चिल्लाता रहता है, जैसे कोई भी व्यक्ति बात करे तो चिल्ला के बात करता है, क्या तू हमेशा चिल्लाता रहता है, क्या आप हमेशा गुस्सा करते रहते हो, क्या आप हमेशा झूठ बोलते रहते हो, क्या आप हमेशा दूसरों की चुगली करते रहते हो, तो इसके में देखो ना करते रहते हो इसका मतलब आप हमेशा इस काम को कर रहे होते हैं। तो कई बार ऑलवेज से हम कोई ऐसा काम दिखाते हैं जो आदमी को इरिटेट करता हो, क्या तू हमेशा मतलब दूसरों से फोन पे लगा रहता है, बात करता रहता है, क्या तू हर टाइम फोन चलाता रहता है। अब मम्मी ने देखा सुबह फोन चला रहा हूं, दिन में चला रहा हूं, शाम को चला रहा हूं, मम्मी को लगा फोन रहेगा तू रहेगा यार, मेरे को तो समझ में नहीं, तो मम्मी क्या करे, क्या तू हर टाइम इस फोन से चिपका रहता है, क्या तू हर टाइम ये फोन चलाता रहता है, तो हर टाइम का मतलब क्या है, उनको लग रहा है कि तू रोकता ही नहीं इस काम को। तो जब हम ऑलवेज की मदद से कोई ऐसा काम दिखाए जो पहली बात तो हमें अच्छा ना लगे और हमें लगे कि यार हर टाइम ये काम, हर टाइम ये काम, हर टाइम काम, तो ऐसे सेंटेंस में आप ऑलवेज के साथ आईएनजी लगा सकते हो। तो देखिए आपके दिमाग में मैंने क्या डाला, मैंने ये डाला कि फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड काम के बार बार होने को दिखाते हैं, इसलिए उनके साथ आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग। एक बार फिर से मैंने क्या कहा, सब बच्चे जवाब देंगे, फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड किसी भी काम के बार बार होने को दिखाते हैं, इसलिए इनके साथ आईएनजी वाली वर्ब का प्रयोग हम, पहली बात समझ में आई। पर अगर एक वर्ड देखा जाए ऑलवेज वाला तो उसके साथ आईएनजी वाली वर्ब आ, पर उसकी एक वो कंडीशन क्या कहती है कि काम कैसा होना चाहिए, इरिटेटिंग वाला, गुस्सा दिलाने वाला। और जब हम गुस्से में आकर किसी को बोलते क्या तू हर टाइम ये करता रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम चाहें तो ऑलवेज के साथ आईएनजी का प्रयोग कर, और बेटर भी होता, करना भी चाहिए, वो दबाव देने की सेंस होती है, बढ़िया तरीके से बात करने की सेंस होती है, तो यहां हम फ्रीक्वेंसी के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। ये कंसेप्ट सॉलिड तरीके से क्लियर हुआ, लिखिए बेटा इस बात को फिर।